हेलो दोस्तों, मैं नाम मुकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गुरु मुकेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फोटोशॉप के अंदर किसी भी ड्रेस का कलर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आप कैसे चेंज करेंगे। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी, एक एक डिटेल्स आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, जब ही आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे जो मैं आपको बताना और सिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंप्लीट प्रोसेस। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ से जो है फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना फोटोशॉप जो है ओपन कर लिया है और मैं जो फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ वो है फोटोशॉप CS6। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं फोटोशॉप CS6 मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए एक फ़ोटो को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे, ओपन, और यहाँ से मैं इस वाली ड्रेस को ले लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी फ़ोटो जो है अब यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। इसको थोड़ा हम जूम कर लेंगे। जूम करने के लिए हम ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे और हमारे माउस में जो सेंटर सर्कल की है उसको हम आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये जूम होगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, हमने अब इसको जूम कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ से हमारा टूल ले लेना है, हमें यहाँ पे आ जाना है, इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह के टूल्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमें ये टूल ले लेना है, कलर रिप्लेसमेंट टूल। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये जो टूल है आपको फोटोशॉप 7 में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको फोटोशॉप CS4, CS5, 6, फोटोशॉप CC में ये टूल मिल जाएगी। फोटोशॉप 7 में अगर आप ये टूल ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पे ये टूल नहीं मिलेंगी। तो चलिए, इसके बाद अब मैं आपको इस टूल की जो प्रॉपर्टीज़ है उससे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो हमारे फोटोशॉप के अंदर जितने भी लेफ्ट साइड में टूल्स दिए हुए होते हैं, इन सभी की खुद की एक अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि ये है। तो हमने जो टूल लिया है यहाँ पर, ये कलर रिप्लेसमेंट टूल, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है और इस टूल की ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और इन तीनों प्रॉपर्टीज़ से एक ही काम होता है कलर रिप्लेसमेंट का। सभी का कलर रिप्लेसमेंट करने का एक अलग अलग अपना अपना तरीका है, अपने अपने तरीके से ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है कलर रिप्लेस करती हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले टूल के लिए। तो ये दोस्तों, ये जो टूल है इसको बोलते हैं सैम्पलिंग कंटिन्यूस टूल। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ये टूल आप जहाँ पे भी अपने माउस के पॉइंट को लेके जाएंगे, ये वहाँ का उस कलर का सैंपल उठाता रहेगा और उस जगह पे जो भी आप कलर यहाँ पे देंगे उस कलर को ये फिल करता रहेगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि ये जो टूल है ये अपनी प्रॉपर्टीज़ खुद लेके आता है। मतलब कि हमें इस टूल के साथ साथ हमें इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर काम करना है, बाकी ये इसमें का कोई भी टूल हमारे किसी काम का नहीं है सिवाय इन दोनों कलर बॉक्सेस के। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये टूल कैसे काम करती है। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये ब्लैक वाला कलर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके इस सामने इस तरह का एक न्यू कलर विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कलर चूज़ कर लेना है, जो भी कलर आप इस ड्रेस के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपना एक कलर यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना ये कलर चूज़ कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो अब हमारा कलर जो है वो चूज़ हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो टूल है अपना कलर का सैंपल खुद ही उठाता है और उस कलर को रिप्लेस करता रहता है, नए कलर को अप्लाई करता रहता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टूल काम कैसे करेगा। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसने ये इस कलर का सैंपल उठा लिया और यहाँ पे इसने इस कलर को अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर इसको क्लिक कर रखा है और आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा प्लस का, माउस के ऊपर प्लस का पॉइंट है, इस पॉइंट को हम जहाँ जहाँ ले कर जाएंगे वहाँ वहाँ ये कलर को रिप्लेस करता रहेगा। आप ये देख सकते हैं,
जिस जिस जगह पे हम इसको लेके जाएंगे वहाँ का कलर ये रिप्लेस करता रहेगा। इस तरह से आपको कलर रिप्लेस करना है। तो इस तरह से आप इस माउस के पॉइंट को जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ का एक कलर ऑटोमेटिकली उठाता रहेगा और ये न्यू कलर को जो है यहाँ पे अप्लाई करता रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस कलर को अप्लाई किया और ये जो है इसके हाथ के ऊपर भी ये अप्लाई होने लगा है। हाथ पे अप्लाई ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ से पहले बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम यहाँ पे ये जो टॉलरेंट है इस टॉलरेंट को हम यहाँ से कम कर लेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ 30। ठीक है, अब दोबारा से हम इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हाथ के ऊपर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ड्रेस के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको दूसरे वाले टूल के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए वापस से हम अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, अब हम वापस से अपने ओरिजिनल कलर में आ चुके हैं। वापस टूल सेकंड वाले टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपने इसका नाम देखा, ये सैम्पलिंग वॉन्स, मतलब कि ये सिर्फ एक ही बार उस कलर के सैंपल को उठाएगा और बाकी हमारे ब्लू वाला जो कलर है उसको ये अप्लाई करता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने क्लिक किया और इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी देखिए जहाँ पे हमारा ये ड्रेस का ग्रीन कलर है ये सिर्फ वहीं पे अप्लाई हो रहा है और कहीं पे अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं इसके अगर हाथ के ऊपर भी ऐसे चला दूँ तो इसके हाथ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम सेकंड वाले टूल को भी इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। और दोस्तों जहाँ पे बाल है, बालों के पास आपको क्या करना है, आपके माउस का पॉइंट को छोटा कर लेना है, क्योंकि आप अपने माउस को पॉइंट को छोटा नहीं करेंगे तो ये बालों के ऊपर भी कलर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने माउस को पॉइंट को जो है छोटा कर लेना है और इसको फिल कर देना है। और जो भी टूल आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उन सभी टूल को मैनेज करने के लिए हमारा टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस को आप जितना मैनेज करके रखेंगे उतना ही आप स्मूथली और उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अब मैं आपको थर्ड वाले टूल के बारे में समझा देता हूँ कि वो कैसे काम करता है। तो वापस से हम अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएंगे। तो देखिए वापस से हम अपने ओरिजिनल कलर में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे इस थर्ड वाले टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तो हमने यहाँ पे चूज़ किया था फर्स्ट में फोरग्राउंड कलर जो कि हमारा रिप्लेसिंग कलर है जो हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। अब हमें दोस्तों यहाँ पे चूज़ करना है हमारा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमें कौन सा चूज़ करना है जो इस ड्रेस के ऊपर है, जो हमें चेंज करना है, जिस ड्रेस को हमें चेंज करना है वो है हमारा बैकग्राउंड कलर। तो हमें जो यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है वो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस फोटोशॉप के टूल के हिसाब से यहाँ पे जो कलर है वो अलग अलग कलर्स हैं। जैसे कि आप इधर इस साइड में देखेंगे तो ये ग्रीन, डार्क ग्रीन है, और अगर आप इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये लाइट ग्रीन है। तो ये दोनों कलर अलग अलग हैं। तो चलिए पहले अभी हम लाइट वाले कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो अब मैंने लाइट वाले कलर को भी सिलेक्ट किया है। तो बेसिकली ये जो हमारा टूल है, अब जितने भी ग्रीन वाले लाइट एरिए हैं ये उन्हीं पे काम करेगा। तो चलिए इसको अप्लाई करके दिखाया तो मैं आपको, ये आप देख सकते हैं इस टूल में भी अगर हम यहाँ पे हाथ के ऊपर इस माउस को लेकर जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ इस कलर के, कलर जो ड्रेस है उसी के ऊपर काम करेगा। थोड़ा सा माउस का पॉइंट बड़ा कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये काम करेगा। हर बार और सभी टूल में आपको आपका टॉलरेंस जो है वो मैनेज करके रखना है। अभी मैं इस ड्रेस के ऊपर जो टॉलरेंस यूज़ कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 30% यूज़ कर रहा हूँ। हर एक ड्रेस के ऊपर अपना एक अलग टॉलरेंस होता है, उस हिसाब से आपको टॉलरेंस मैनेज करके रखना है और इस टूल के साथ आपको काम करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे तो एक कलर अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस डार्क वाले एरिया में आप यहाँ पे देखेंगे
तो ये कलर अप्लाई नहीं हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे हिसाब से ये सारे ग्रीन कलर हैं, बट इस टूल के हिसाब से ये जो दोनों कलर हैं वो अलग अलग कलर हैं। तो अब हम इस वाले डार्क वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे और इस डार्क वाले एरिया के ऊपर यहाँ पे पेन का पॉइंट लेकर जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो गया, अब इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। तो अब जो है आप यहाँ पे इस वाले को भी आप कलर कर सकते हो। ये देखिए, अब आप इस वाले को भी कलर कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपके ये हेयर आते हैं, हेयर के ऊपर आपका माउस का पॉइंट को छोटा कर लेना है इस तरह से। तो चलिए अब फटाफट से इमेज के ऊपर इस ब्लू कलर को अप्लाई कर लेता हूँ और अप्लाई करके फाइनल इमेज में आपको दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ड्रेस का जो कलर है अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और आप भी इसी तरह से इस टूल को यूज़ करके और किसी भी ड्रेस का कलर, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया एक एक पॉइंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा और वो आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज़, कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत हुई हो तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए और उस पॉइंट को समझिए, ताकि आगे चल के कोई भी अगर आप वर्क करें इस तरह का तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया एक एक पॉइंट सब कुछ समझ में आ चुका है और आप इन तीनों टूल्स को यूज़ करना सीख गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट जो है कॉमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।